नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए, ऐसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें कॉल करना होगा, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को अच्छा कैसे बनाना, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज मनाए जाने वाले सिंजारे के त्योहार के बारे में, कल तीज और आज सिंजारा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कई बार हम जितना समझते हैं हमारे सामने चुनौतियां उससे भी हार्ड होती हैं। आज कुछ ऐसा ही आपके साथ घटित हो सकता है, और दिनों के मुकाबले आज जरूरत से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो सतर्क होकर अपने काम में जुट जाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए अपने रूटीन लाइफ में, डेली रूटीन में आत्मसम्मान, अनुशासन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अपने साथ में बना के रखना होगा, अनुशासन और आत्मसम्मान। अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए नए अवसर तलाशने की पूरी कोशिश भी आपको करनी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कोई भी बात कहने, सुनने, रखने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या विचार रखने जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं, इवन सुनने से पहले भी। यदि आप कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं आज, तो उस फैसले को करने से पहले उस क्षेत्र के जो अनुभवी हैं, जानकार जो लोग हैं, उनसे एक बार सलाह ले लीजिए। आने वाले दिनों में हमें क्या काम करना है, उन सब की प्लानिंग आज अच्छे से बना लीजिएगा। वेल प्लान जो काम होते हैं उनमें सक्सेस मिलनी तय है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशि की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़े हैं, विनोद जी हैं कोटा से। जन्म की तारीख है इनकी 25/4/83 और जन्म का समय है शाम का 4 बजे का। विनोद जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए विनोद जी। सवाल सर, मेरे को गाड़ी लेनी है सर। जी पंडित जी, गाड़ी लेना चाहते हैं जी, पूछिए। मतलब, हाँ पूछिए, क्या पूछना? टैक्सी में चलाने के लिए। हाँ, टैक्सी में चलाने के लिए। हाँ हाँ, खुद के नाम से जी? खुद के नाम से लेना चाहते हो? विनोद पाटिल के नाम से। ठीक है, देखो ऐसा है विनोद, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि उच्चिका है और वो भी धन भाव में बैठा है, तो लोहा आपको फलता है। तो यदि आप कोई टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, अपने नाम से गाड़ी खरीदते हैं, निश्चित तौर पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में शुक्र और बुध की युति बनी हुई है, उसके साथ साथ में सूर्य और मंगल भी, आपके मंगल स्वग्रह सूर्य उच्चिका, शनि उच्चिका, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। आपके साथ बेसिक प्रॉब्लम यह है कि आपके नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो है बुध,
वो आपकी कुंडली में 0 डिग्री का है, पावर नहीं है। अच्छा तो है लेकिन पावर नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं बट ऑन बैड हैं, तो आप क्या अच्छा कर पाएंगे किसी के लिए? तो इफ़ यू वॉन्ट गेट द सक्सेस, आपको जीवन में यदि कार्य क्षेत्र में सफलता चाहिए तो एक पन्ना रत्न हमेशा सीधे हाथ में धारण करके रखिए। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सोने के अंदर। खूब हरा पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए, नियमित रूप से गौ सेवा कीजिए, कम से कम बुधवार के दिन हरी चद्दर के ऊपर अवश्य सोइए, साल में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए। निश्चित तौर पे आपके कार्य में स्थिरता भी आएगी और उसके साथ साथ में फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे। जहाँ तक आपका मूल प्रश्न का सवाल है कि क्या गाड़ी आपको फलेगी, गाड़ी ले सकते हैं, निश्चित तौर पे गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी आपको फलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। हम भवरी जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। भवरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपने पिता की जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी भवरी जी। हेलो पंडित जी। हाँ बोलो बेटा। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहिए, प्रश्न पूछिए। मेरे को ना मेरे को तारीख नहीं पता है, समय पता है 2020। अच्छा, प्रश्न पूछिए। 2020 सावन 32 नवमी की थी। अच्छा बेटा, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। और सुबह 11 बजे का सोमवार का जन्म है। आप प्रश्न पूछिए बेटा। ये मेरे पिताजी को ना आगे एक संपत्ति के बारे में मुकदमा चल रहा है, वो कैसा आगे उनके फेवर में होगा, और उनकी ना संपत्ति को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके बारे में कैसा रहेगा? नाम क्या है आपके पिताजी का? श्री राम जी, मेरे पिताजी का नाम श्री राम। श्री राम जी, हाँ। देखिए, ऐसा है भंवरी जी, जो आप पूछ रही हैं उनके हिसाब से अगर हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो प्रश्न कुंडली के अनुसार अगर देखें तो संपत्ति का जो विवाद है, जिस तरह की पारिवारिक संपत्ति या दूसरी संपत्ति के विवाद में कोर्ट कचहरी में जो उलझे हुए हैं, इन सब से इनको मुक्ति जो है वो कम से कम साल भर लगेगा। अगले साल मार्च अप्रैल के पश्चात में जाके कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी कामकाज हैं उनमें इनको सफलता प्राप्त होगी। तो यदि ये चाहते हैं कि जीवन में इनको संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, हर कार्य के अंदर विजय हासिल हो, शत्रुओं के ऊपर विजय हासिल हो, सप्ताह में एक बार मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। सरसों के तेल का दीपक जला के मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, यदि वह अपने सभी शत्रुओं के ऊपर विजय हासिल करना चाहते हैं। रविवार के दिन भैरव जी महाराज के दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती अवश्य चढ़ाएं। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्पण करें और आप घर के अंदर जो घर के अंदर की स्त्रियां हैं उनको अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक प्रातःकाल पानी के मटके के पास परंडे पे अवश्य जलाना चाहिए। नियमित रूप से घर में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलना चाहिए। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ। रंजना जी हैं भरतपुर से, जो कि अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। उनके पिता की जन्म की तारीख है 3/8/40 और जन्म का समय है 3:45 का। रंजना जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मैं अपने पापा श्री हरिचरण लाल जी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो बचपन से बहुत दुखों में रहे हैं, उनके कोई भी मतलब काम नहीं बने हैं। आज उनके लिए सब कुछ है, बेटे बहुत लायक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं आया। वो हमेशा पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे और अब भी कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में ऐसा क्या है कि वो मतलब इतना परेशान रहते हैं? देखो बेटा रंजना, कई बार भगवान बहुत परीक्षा लेता है, और रही बात आपके पिता की जन्म कुंडली, चूँकि इन्होंने बहुत लगभग 70 वर्ष से ऊपर की इनकी आयु हो चुकी है, तो इनकी कुंडली के अंदर क्यों इन्हें जीवन में सुख नहीं मिला, संघर्ष क्यों करना पड़ा, उसके पीछे मूल कारण ये है कि इनके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो शनि कुंडली के अंदर नीच का है। आयु स्थान का और भाग्य स्थान का स्वामी शनि नीच का होकर बैठ गया, तो जब जन्म कुंडली में भाग्यशी नीच का हो जाए तो ऐसे जातकों को जीवन में कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में हर चीज को प्राप्त करने के लिए आपको भाग्य की जरूरत होती है। मेहनत और भाग्य का कॉम्बिनेशन ही जीवन में सफलता प्रदान करता है।
तो आपके पिता के साथ जो मुख्य प्रॉब्लम है, एक तो भाग्य शनि का नीच का होना, दूसरा इनकी जन्म कुंडली में दोष है मंगल का नीच का होना, तीसरा जो दोष है वो कालसर्प दोष का होना, चौथा जो दोष है वो इनकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का साथ होना। सूर्य और चंद्रमा कभी साथ नहीं हो सकते, सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है, चंद्रमा उदय होता है तो सूर्य अस्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह के अशुभ कुंडली में योगों के कारण इनको जीवन में इतना संघर्ष देखना पड़ा। अभी भी बचे हुए जीवन में यदि सुख देखना चाहते हैं तो नियम मान लीजिए कि हर मंगलवार हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, ये विशेष रूप से इनको ध्यान रखना है। वजन के बराबर गुड़ का दान कराइए, घर के अंदर खाना बनाते समय पूरब दिशा में देखते हुए खाना बनाएं, और लाल और काले रंग से इनको परहेज करना है। नियमित रूप से 40 दिन तक पक्षियों को दाना खिलाएं, कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होगा। और सुंदरकांड तो रामबाण दवा है, यदि आप वो शुरू कर देते हैं और मंगलवार शनिवार छोड़िए, उम्र के इस मोड़ पे यदि रोज सुंदरकांड कर सकें तो निश्चित तौर पे अंतिम समय में कम से कम जीवन में सुखों की अनुभूति अवश्य होगी। पंडित जी के लिए कोटा से भी एक दर्शक जुड़ी है, प्रीति जी हैं। जन्म की तारीख है इनकी 4/9/1990 और जन्म का समय है सुबह का 4:30 का। प्रीति जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए प्रीति जी। पंडित जी लगता है कि उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, वो शादी के लिए जाना चाहती थी। देखो बेटा प्रीति, आपकी जन्म कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म है, गुरु उच्चिका होके बैठा है और गुरु की ही बाधिशा चल रही है। मार्च 2018 के पश्चात गुरु की महादशा शुक्र का अंतर शुरू होगा, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पीरियड। अगर विवाह के लिहाज से बात करें, आपकी कुंडली वैसे देखे तो बहुत अच्छी है, भाग्य स्थान का मालिक गुरु उच्च का होके बैठा हुआ है आपके जन्म कुंडली के अंदर, लेकिन दाम्पत्य भाव में कहीं ना कहीं राहु बैठा है, वो भी शनि के घर में, शनि वक्री है। तुरंत प्रभाव से एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कीजिए, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, और कम से कम 11 रविवार का नियम बांधिए। हर रविवार को आपके पास में शायद चंबल नदी बहती है तो वहाँ जाके मछलियों को उड़द की दाल के पकोड़े बना लीजिए, वाइट उड़द की दाल को पीसकर बगैर नमक मिर्च डाले उसके पकोड़े बना लीजिए। जैसे 11 पकोड़े आपने तल लिए, तलने के बाद में हर पकोड़े पे एक एक लौंग लगाया और फिर जाके मछलियों को खिला दी इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे जीवन में जो भी रुकावट है वो दूर हो और मुझे सुलक्षणों से युक्त पति की प्राप्ति हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए मछलियों को खिला दीजिए। 11 रविवार कीजिए, लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर दीजिए, नहाते समय पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के फिर स्नान कीजिए और नियमित रूप से तुलसी जी का पूजन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी जी की अवश्य कीजिए। अगले 6 महीनों में आपको निश्चित तौर पर सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि की बात करते हैं, आज हमें जो भी काम करना है वो थोड़ा सावधानी से करना है और अपने लिमिट में करना है, और यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है आज तो प्रॉब्लम आने पे झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, समझौते करने का और वो बीच की जो पतली गली है वो निकालने का प्रयास करना है, संकोच मत कीजिएगा। और आज किसी भी कार्य में कम से कम झूठ मत बोलिएगा, आज के दिन का संकल्प ये है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कम से कम एक दिन तो हम कर ही सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि सिंह राशि, कोई नया काम हाथ में लेने से पहले जो पहले से काम हमारे पास पड़े हैं उनको फिनिश करना है और उतना ही काम हाथ में लेना है जितना हमारे लिए संभव हो, दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना है। छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि कन्या राशि, खुद के ऊपर आज विचार कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। बहुत सारी प्लानिंग आज आपके सामने आएंगी जो मौजूदा समय में आपको ज्यादा फायदा देने वाली रहेगी। मन को खुला रखिए, उलझन से बचिएगा, किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं।